नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चंदन नगर पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश शुरू कर दी है। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली युवती काम की तलाश में इंदौर आई थी। इसी दौरान उसकी पहचान पास में ही रहने वाले युवक से हुई, जो शादी का झांसा देकर पिछले एक साल से युवती से दुष्कर्म करता रहा और पिछले दिनों भाग निकला, जिसके बाद युवती ने मामले की शिकायत चंदन नगर पुलिस को दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज फरियादिया द्वारा थाने पर आकर शिकायत की गई थी कि करीब एक वर्ष से आरोपी उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बना रहा था और इसके दौरान वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी और इसके बाद आरोपी उसको धोखा देकर झांसा देकर भाग गया और शादी भी नहीं की और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को तलाश की जा रही है। सर, कब की मुलाकात होती है? करीब एक साल पूर्व से घटनाक्रम होना बता रही है। किस तरीके से परिचित हुआ? नहीं, ये यहाँ जो पीड़िता है वो काम करने के लिए आई थी, इसी दौरान काम के दौरान ही उनकी यहाँ मुलाकात हुई, उसके बाद घटनाक्रम। आरोपी की तलाश की जा रही है, अभी घर से फरार है। टाइम न्यूज़ देखिए